नमस्कार मित्रों, डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के पृष्ठ तनाव के विषय में। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस पृष्ठ और टेंशन तनाव। तो प्रत्येक द्रव एक स्वतंत्र झिल्ली की भांति तना हुआ पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है और प्रत्येक द्रव में एक गुण पाया जाता है। प्रत्येक द्रव में एक ये गुण पाया जाता है कि वो न्यूनतम से न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और यही गुण उनका पृष्ठ तनाव हो जाता है। जब ताप बढ़ता है, जब द्रव का ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो अधिकतम क्षेत्रफल ग्रहण करने लगते हैं। लेकिन जब क्रांतिक ताप पर यह पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण होता है हर एक पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल और इसके विपरीत प्रतिकर्षण बल होते हैं। तो दो प्रकार के अंतराणुक बल पाए जाते हैं। द्रवों के अणुओं के मध्य दो प्रकार के अंतराणुक बल होते हैं और इन्हीं अंतराणुक बलों जो है बलों के कारण अंतराणुक बलों के कारण ही पृष्ठ तनाव का गुण द्रव प्रदर्शित करते हैं। तो अंतराणुक बल दो प्रकार के पाए जाते हैं। अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बलों को अंतराणुक बल कहा जाता है। तो अंतराणुक बल दो प्रकार का पाया जाता है। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण है कि अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, और यह आकर्षण बल उनके मध्य लगने वाले बल को हम अंतराणुक बल कहते हैं। और अंतराणुक बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ससंजन बल और नंबर दूसरा होता है आसंजन बल। ससंजन बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहा जाता है। जैसे जल के दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहा जाएगा। लेकिन ससंजन बल किसी द्रव के अणुओं में कम होता है और किसी द्रव के अणुओं में अधिक। जैसे जल के अणुओं में ससंजन बल कम होता है तो इसलिए जल की बूंद हम जैसे ही किसी ठोस पदार्थ पर डालते तो वो फैलने लगती है, परंतु इसके विपरीत पारा नामक द्रव में उनके अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजन बल अधिक होता है। इसलिए हम पारे को किसी ठोस पदार्थ पे डालते हैं तो वो जो है फैलता नहीं है, यानी न्यूनतम क्षेत्रफल नहीं ग्रहण करता है। तो एक ही अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं और दो भिन्न पदार्थों के मध्य यानी द्रव जिस पात्र में रखा है, द्रव जिस बर्तन में रखा है, उस बर्तन के अणु और उस द्रव के अणु इन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहा जाता है। और यही आसंजन बल जब आसंजन बल अधिक होता है उस द्रव के अणुओं के ससंजन बल से, तब द्रव चिपक जाते हैं उस द्रव उस पे। और जब आसंजन बल कम होता है अणुओं के ससंजन बल से तब द्रव पात्र में नहीं चिपकता है। जैसे किसी कांच की एक नली में हम जल डालें तो जल के अणु उस कांच की दीवार को गीला कर देते हैं, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल यानी ससंजन बल और कांच की नली और जल के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है, इसलिए जल के अणु कांच की नली को गीला कर देते हैं। परंतु अगर पारे को हम किसी कांच की नली में भर दें तो पारे के अणुओं के मध्य जो लगने वाला ससंजन बल है वो अधिक होगा पारे और कांच के नली के मध्य लगने वाले आकर्षण बल आसंजन बल से। यानी कि आसंजन बल जब कम होगा और ससंजन बल अधिक होगा तब द्रव बर्तन को नहीं भिगोते हैं, तो पारा कांच के उस नली पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजन बल उनके मध्य आसंजन बल से बहुत अधिक होता है।
तो द्रव एवं द्रव के अणुओं के मध्य, द्रव एवं द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला, एक ही द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है, और द्रव के अणुओं एवं पात्र के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजन बल कहलाता है। लेकिन यह आकर्षण बल आणविक परास 10^-10 मीटर से लेके 10^-10 मीटर तक होता है। अर्थात यदि अणुओं के मध्य की दूरी 10^-10 मीटर होगी और अधिकतम दूरी 10^-9 मीटर होगी, तभी परस्पर उनमें आकर्षण बल होंगे, अंतराणुक बल होंगे। यदि 10^-10 मीटर से कम उनके मध्य दूरी होगी, अणुओं के मध्य दूरी होगी, तो आकर्षण बल नगण्य होगा। अगर 10^-9 मीटर से ज़्यादा दूरी होगी दो अणुओं के मध्य, तब भी आकर्षण बल उनमें नगण्य होगा। लेकिन प्रतिकर्षण बल कब होगा? तो उनमें प्रतिकर्षण बल होगा जब 10^-10 मीटर से कम उनकी अणुओं के मध्य की दूरी होगी। देखो, दो अणुओं के मध्य की दूरी या दो अणुओं के मध्य की दूरी को आणविक परास कहा जाता है। आणविक परास का तात्पर्य है कि दो अणुओं के मध्य की दूरी। तो यदि दो अणुओं के मध्य की दूरी 10^-10 मीटर से कम है, तो उनमें आकर्षण बल नहीं, उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि बल हमेशा प्रतिवर्ती होता है और बल हमेशा विपरीत कार्य करता है। एक बल के विपरीत हमेशा उसी मात्रा में जो है दूसरा बल कार्य करता है, विपरीत बल कार्य करता है। ये हम जो है निम्न कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम न्यूटन के तीसरे नियम में हम पढ़ते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ भी अगर जब दो अणुओं के मध्य 10^-10 मीटर से कम दूरी होगी, यानी आणविक परास 10^-10 मीटर से कम होगा, तो उन अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन जब इनके आणविक परास यानी इन अणुओं के मध्य की दूरी 10^-9 मीटर से अधिक होगी, तब वहां पर इनमें आकर्षण बल नगण्य होगा। तो आणविक परास का तात्पर्य यह है कि अणुओं के मध्य की दूरी। तो यदि अणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी 10^-10 मीटर और उनके बीच की अधिकतम दूरी 10^-9 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा दूरी होगी तो उनके बीच में आकर्षण बल नगण्य होगा। जब द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजन बल का मान द्रव एवं पात्र के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजन बल से अधिक होता है, तब द्रव पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते हैं, क्योंकि वे जो है चिपक नहीं पाते हैं उस दीवार से, क्योंकि वहां पर आसंजन बल कम होता है और अणुओं के मध्य आकर्षण बल या ससंजन बल अधिक होता है। परंतु जब दो अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजन बल कम होता है उस द्रव के अणु एवं पात्र के मध्य लगने वाले आसंजन बल से, जब ससंजन बल कम होता है आसंजन बल से, तब द्रव के अणु पात्र की दीवारों पर चिपक जाते हैं, अर्थात तब द्रव पात्र की दीवार को गीला करते हैं। जैसे मार्कर में ये इंक के अणु इस बोर्ड के इंक के अणु इस बोर्ड में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इन स्याही के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजन बल इस बोर्ड और स्याही के मध्य लगने वाले आसंजन बल से कम होता है। तो आसंजन बल बोर्ड और स्याही के अणुओं के मध्य का आसंजन बल अधिक है और स्याही के अणुओं के मध्य का ससंजन बल कम है, इसलिए स्याही के अणु बोर्ड में चिपक जा रहे हैं। जैसे चाक के मध्य जो अणुओं के मध्य चाक के अणुओं के मध्य का ससंजन बल कम है और ब्लैक बोर्ड के और चाक के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल यानी आसंजन बल से चाक के अणुओं का ससंजन बल कम होता है, इसलिए चाक के अणु ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई पात्र है या फिल्म है और इसमें ये द्रव भरा हुआ है।
अब द्रव का जो भी पृष्ठ होता है एक स्वतंत्र तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करता है। तो हमने द्रव में एक कैसी भी रेखा खींच ली, कोई भी रेखा खींच सकते हो, वर्टिकल लाइन या फिर सरल रेखा या कैसी भी रेखा, और हमने एक काल्पनिक रेखा इस चित्र में AB खींची, AB रेखा खींची, और इस पे इस AB रेखा यानी इस काल्पनिक रेखा के दोनों ओर लंबवत आकर्षण बल कार्य करते हैं, दोनों ओर विपरीत में और ऊपर भी आकर्षण बल यफ कार्य करते। तो हमने माना कि इनमें जो लगने वाला आकर्षण बल है वो यफ है, और हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली AB, और हम मान लेते हैं कि माना जो ये काल्पनिक रेखा है इसकी लंबाई है L मीटर। और हम बात करते हैं, तो जब कोई किसी द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला अभिलंबवत बल उस द्रव के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो यहाँ पर लगने वाला बल यफ है, यफ प्रोपोर्शनल A, लगने वाला बल क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं यफ प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो हम लिख सकते हैं F बराबर TL स्क्वायर, और यहाँ से हम T निकालें तो T बराबर F बटे L स्क्वायर, F बटे L स्क्वायर, जहाँ पर T पृष्ठ तनाव है, जहां पर टी पृष्ठ तनाव है। तो टी बराबर एफ बटे एल स्क्वायर, यफ हमारा है बल, एल स्क्वायर यानी क्षेत्रफल। तो यहां से हम इसका अगर मात्रक निकालें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम यहां से हमें पृष्ठ तनाव का मात्रक मिल जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव टी प्रोपोर्शनल 1/A, अर्थात पृष्ठ तनाव द्रव के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जब भी किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम होगा तो द्रव अधिक से अधिक क्षेत्रफल ग्रहण करने की कोशिश करेगा, अर्थात जब क्षेत्रफल कम होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पृष्ठ तनाव को सबसे पहले समझते हैं प्रभावित करने वाले कारक, यानी क्या क्या पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पृष्ठ तनाव के व्युत्क्रम होता है, यानी क्षेत्रफल के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होगा और किसी द्रव के क्षेत्रफल कम होने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अब पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक होता है, यदि हम टी बराबर एफ बाई एल स्क्वायर और इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पर हम बच्चों L बराबर 1 मीटर मान ले, यानी जो काल्पनिक रेखा है उसकी लंबाई हम 1 मीटर अगर मान ले L बराबर 1 मीटर, तो यहाँ पर T बराबर यफ के होगा, यानी पृष्ठ तनाव अगर वो काल्पनिक रेखा एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा है तो उस द्रव के अंदर लगने वाला जो लगने वाला बल है अभिलंबवत व रेखा के पृष्ठ के स्पर्शवत लगने वाला जो आकर्षण बल है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, अर्थात किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा की एकांत लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यानी कि हम अगर लंबाई को 1 मीटर मान ले तो द्रव का लगने वाला पृष्ठ तनाव और लगने वाले लंबवत बल के बराबर होता है। अब बात करते हैं
कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक कौन सा है? तो बच्चों दूसरा कारक होता है टेम्परेचर यानी तापमान। तो जब भी तापमान बढ़ता है, जब भी हम ताप बढ़ाते हैं, द्रव का ताप बढ़ाते हैं, और पृष्ठ तनाव का गुण कहाँ पाया जाता है? तो पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है द्रव में और द्रव के अणुओं के आकर्षण बल के कारण। तो जब भी हम किसी द्रव के ताप को बढ़ाते हैं या हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसके अंदर जो उस द्रव का जो गुण है, पृष्ठ तनाव का गुण है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन घटता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर हम इसे क्रांतिक ताप पर लेके जाएंगे, इसे हम क्रांतिक ताप तक लेके जाएंगे, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक इसे हम लेके जाएंगे, तो ये सरफेस टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है। तो क्रांतिक ताप तक अगर हम द्रव के ताप को बढ़ाएं तब पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। तो अब बात करते हैं बच्चों पृष्ठ तनाव के उदाहरण की, और पृष्ठ तनाव के बहुत सारे उदाहरण हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण है कि अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और ससंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई पानी पर तैरती दिखाई देती है, क्योंकि सुई का क्षेत्रफल कम होता है। और हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है पृष्ठ तनाव, यानी जब क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा और क्षेत्रफल अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा। तो इसलिए पानी पर सुई तैरती है, लेकिन बड़े बड़े जहाज या बड़ी बड़ी लोहे की वस्तुएं पानी में डूब जाती है। तो ये किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। दूसरी बात करते हैं अगले पॉइंट पे, साबुन के घोल से बुलबुलों का बनना। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं, जब भी हम साबुन को जल में घोलते हैं, तो जल में उपस्थित उनके अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजल बल का मान कम हो जाता है ना, और वो अधिकतम क्षेत्रफल ग्रहण करता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है। इसलिए जल के घोल में साबुन के बुलबुले बनने लगते हैं। तो ये भी किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है कि साबुन के घोल से बुलबुलों का बनना, ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। अब बात करते हैं साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। हाँ, हमने पढ़ा कि टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव पृष्ठ तनाव पर पड़ता है, और जब भी हम साबुन या डिटर्जेंट के कण जब उसमें घुलते हैं, जल के द्रव में घुलते हैं, तो जल के अणुओं का ताप बढ़ने लगता है। और जब भी जल के अणुओं का ताप बढ़ेगा यानी द्रव का ताप बढ़ेगा, तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता जाएगा। तो जब जल के अणुओं का ताप बढ़ जाता है, जल में ताप बढ़ जाता है, तो वे जो है साबुन और डिटर्जेंट के कण जल में होने वाले जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, और वो कपड़ों के सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं और मैल के साथ चिपक कर बाहर निकल जाते हैं, और कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। अगर हम गर्म पानी में कपड़े धुलें तो वो और ज़्यादा साफ होंगे, क्योंकि गर्म पानी जल के द्रव के पृष्ठ तनाव को और कम कर देगा। यानी जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव कम होता जाता है। तो साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका उदाहरण या इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्योंकि जब हम साबुन या डिटर्जेंट को जल में घोलते हैं तो उस जल के द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और वहाँ से गंदगी मैल आसानी से निकल जाती है। जल के सतह पर मच्छरों के लार्वा का तैरना, तो मच्छर के लार्वा
जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं और वो ऊपर तैरने लगते हैं। गर्म सूप पृष्ठ तनाव के कारण ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि जब सूप गर्म होता है तो सूप के द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जीभ के सभी भागों में आसानी से फैल जाता है। इसलिए हमें गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा। अगर सूप ठंडा है तो हमें गर्म सूप अधिक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जीभ में आसानी से पूरी तरह से फैल जाता है। तो गर्म सूप क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, तो इसका भी कारण क्या होता है बच्चों, पृष्ठ तनाव होता है। शेविंग ब्रश को हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, तो उसके अंदर जब हम ब्रश डुबोते हैं तब छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो जल में तैरते रहते होते हैं, लेकिन जैसे ही हम शेविंग ब्रश को बाहर निकालते हैं वे बाल जो है शेविंग ब्रश में चिपक जाते हैं। क्योंकि जब हम ब्रश को जल के अंदर डुबोते हैं तो वहाँ पर उनके अणुओं का जो ससंजन बल है, वो जो है जल के आसंजक बल से अधिक होता है। और जब हम बाहर ब्रश को निकालते हैं तो बाल और शेविंग ब्रश के कणों के मध्य लगने वाला जो आसंजक बल है वो बढ़ जाता है बाल के अणुओं के ससंजन बल के कारण। तो इसीलिए जैसे हम पानी से बाहर ब्रश निकालते हैं तो बाल उसमें चुंबक जैसे चिपक जाते हैं। तो इसका भी उदाहरण क्या है, इसका कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही हम जब शेविंग ब्रश को बाहर निकालते हैं तो उसमें बाल चिपक जाते हैं। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उनपे तेल डाल दिया जाता है। जब समुद्र की लहरें बहुत ऊपर उठने लगती है, यानी जब समुद्र की लहरों को, एक तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा समुद्र है या समुद्रीय जल है, एक तो वो लवणीय है, उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए हैं, तो ऐसे भी उसका घनत्व तो जो है सामान्य जल की अपेक्षा वो जो है परिवर्तित रहता है। और जब उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तो क्षेत्रफल बढ़ता है और लहरें ऊपर जाती, तो जब हम उस पर तेल डाल देते हैं तो उससे उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही हम ऐसा करते हैं। जैसे हम किसी भी कोई कांच की नली है या कोई कांच का बर्तन है, अब वो अगर गीला है तो उसे हम सूती कपड़े से क्यों पोंछते हैं, हम उसे रेशमी और नायलान कपड़े से क्यों नहीं साफ करते, क्योंकि सूती कण जो होते हैं वो सारे जल को सोख लेते हैं और उस बर्तन को सूखा कर देते हैं। लेकिन रेशमी या नायलान टेरिकॉट के कपड़े जल को नहीं सोख पाते, क्यों, क्योंकि जो सूती कपड़ों के मध्य लगने वाला ससंजन बल है वो कांच और सूती कपड़े के मध्य आसंजन बल से कम होता है, इसलिए जल के अणु उसमें चिपक जाते हैं और वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये सब पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।